हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ माय अलवर सीरीज। एपिसोड 1 का लिंक इज ऑन द टॉप, बट पहले इसको देख लो बिकॉज आज की शुरुआत हो रही है अलवर के मेन अट्रैक्शन से। इन टुडेज एपिसोड आई एम गोना टेक यू अलोंग विद मी टू द मूसी महारानी की छतरी सिटी म्यूजियम एंड हम खाने जाएंगे अलवर के फेमस गरम गरम कड़ी कचौरी, बेदमी पूरी, कुल्हड़ वाला गन्ने का जूस। उफ, मुँह में पानी आ गया। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द एग्जैक्ट लोकेशंस, टाइमिंग्स, देयर कॉस्ट एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। सो लेट्स स्टार्ट अ एक्साइटिंग डे विद अलवर फोर्ट एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड लाइक माई वीडियो। लेट्स गो गाइज। अलवर को मत्स्य देश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पांडवों ने यहाँ 13 साल गुजारे थे। यहाँ की एंट्री फ्री है एंड टाइमिंग्स 10 AM to 4:30 PM है एंड यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। गाइड्स आर ऑल्सो अवेलेबल नियर द पार्किंग लॉट। आई विल ऑल्सो राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दिस इज द सिटी पैलेस ऑफ अलवर, ऑल्सो नोन एज द विनय विलास महल, built by Raja Bakhtiar Singh in the year 1793. The building is a perfect example of Indo-Islamic architecture. Alwar's most artistic monument, this is the Musi Maharani ki Chhatri. As the legend goes, it is named after the king's mistress who performed sati here when he died. After the sati, she came to be accepted as king's wife. If you look at the architecture of this, ये एक flower की shape में built है with the blend of brown sandstone and white marble. First story sandstone से बना है and the upper story and chhatris are made in white marble. If you notice right in the far end on a hilltop, that is Bala Killa. It can also be seen from here, the Bhaktavar ki chhatri. Now there what you see is an artificial lake which was built by Maharaja Vinay Singh in 1815. There are also a number of temples on the banks of the lake. A beautiful garden here has been set up. It is known as the Purjan Vihar. The carved pavilion has domed arches with exquisite floral patterns. There are intricate designs that shine brilliantly under sunlight. This colorful circular ceiling is made with fading gold leaf paintings of mythological characters and scenes. City Palace of Alwar, and this was built in the 18th century. If you look at the carvings here, you'll see it's again inspired by Mughal and Rajputana architecture. It's very pretty. यहाँ पर फुटस्टेप्स ऑफ महाराजा एंड मूसी रानी आर इंग्रेव्ड इन द मार्बल एंड इस जगह की काफ़ी मान्यता है। कहते हैं इसमें अपने आप ही पानी भरता रहता है एंड दिस होली वाटर कैन बी यूज टू फाइट एनी स्किन एलिमेंट्स। अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर टू टेक अ सिप ऑफ दिस होली वाटर। दीज रूम्स दैट यू सी हियर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दे आर यूज एज क्लासरूम्स फॉर अ स्कूल as of now.
मूसी रानी की छतरी एंड सीरियसली आई कैन नॉट गेट माई आईज ऑफ ऑफ इट. इट इज़ एक्चुअली स्टनिंग. इट इज़ सराउंडेड बाई द अरावलीज ऑल अक्रॉस एंड अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज थोड़ा सा हेजी है, बट दूर यू कैन सी, यू नो, यू कैन सी अ होल वॉल ऑफ द फोर्ट ऑल्सो अरावली के एकदम लाइक सिलुएट पे. एंड दिस बाला किला एंड ऑल द पीक्स हियर हैज बीन टोल्ड बाय आवर गाइड दैट ऑल द पीक्स हियर दे हैव दिस मंदिर वॉच टावर्स. एक्चुअली द वॉच टावर्स नाउ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे सीढ़ी भी नहीं जाती है. सो यू हैव टू टेक द स्टेप्स अ फ्यू, देर आर फ्यू स्टेप्स विच आर ऑलरेडी मेड एंड देन यू हैव टू क्लाइंब अप, लिटरली रॉक क्लाइंब इट अप एंड पीपल विद लॉट ऑफ डेडिकेशन दे डू दैट एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. अभी तक कोई था नहीं वैसे यहाँ पे, बट थोड़े बहुत पीपल आर स्टार्टेड टू कम इन एंड वैसे भी 4:30 ये बंद हो जाता है, बट इट्स पीसफुल, इट्स ब्यूटिफुल एंड आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट प्रिटी. सो डेफिनेटली अलवर हिल्स. अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द सिटी म्यूजियम. एट प्रेजेंट the ground floor of the fort is used as government offices while the other floors have been converted into the museum. Museum ki entry fee is rupees 30 for Indians and rupees 150 for foreigners. That is the main entry gate. और ये है courtyard. फिलहाल यहाँ पे नीचे तो सारे offices हैं. And these right now I'm standing under this very pretty chhatri. The designs, nakashi. So right now I'm standing in the main city palace of Alwar, Vinay Vilas Mahal, and this behind me, guys, is the Raj Gaddi. And abhi bhi yahan pe hi Raj Tilak hota hai. It is made of gold, as per our guide. So it's pretty exciting. एंड अभी ये बंद है फॉर रेनोवेशन, बट 4 to 5 ईयर्स बैक उन्हें यहाँ पे राज तिलक हुआ था लास्ट. सो दिस इज़ द मेन पैलेस हियर. इसके बाद वी आर गोना हेड आउट टू द म्यूजियम. इतनी सारी चढ़ाई के बाद वी आर एंटरिंग द म्यूजियम. इट बेटर बी वर्थ इट. ₹20 का टिकट है एंड दैट इज द वॉच टावर आई वाज टॉकिंग अबाउट. इफ यू कैन यू नो सी इट ऑन द टॉप हियर, दिस जो अब हनुमान मंदिर है. So this is the first hall of the museum. This table is made completely in silver, the main attraction in this hall. And you can see so many designs dating back to the 18th and 19th century. Most of these are the hunting trophies and yahan pe ek bear bhi hai, the stuffed bear that was actually considered to be one of the most loyal friends to the Raja.
One of the most beautiful things that I found here was the miniature of the Rath, the transportation of the king and the queen during that time. यहाँ पे यू कैन सी उस टाइम के डेली यूज आइटम्स, यू नो द चेस बोर्ड हियर, हाउ द चेस प्लेयर्स देयर डिजाइंस हैव चेंज्ड ओवर टाइम. यू कैन इवन सी द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट दे वुड वेयर ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड हॉल ऑफ दिस म्यूजियम. On display in the museum here, you'll see some ancient Mughal and Rajput painting dating back to the 18th and 19th centuries. The museum has a rich collection of rare and antique Persian, Arabic, Urdu, Sanskrit manuscripts. Among these manuscripts, the most prominent ones include Boston, Waqiat-e-Babri and Gulistan. So the last and the third hall is dedicated to the armory and weaponry used during that time. But yahan pe photography allowed nahi hai. So iske liye you'll have to come down to City Palace of Alwar and check it out for yourself. After that beautiful and interesting tour of the palace, I'm heading to the Hope Circus, Chudi Market. Yahan par just ask for Ahuja Juice Center and enjoy the famous Kulharwala juice. Well, taste mein kuch zyada alag nahi hai, but ganne ka juice is absolutely refreshing. For some odd reason, kachori ki shop aaj band thi, jo usually actually kabhi nahi hoti hai. So we have thought now that we head to a cafe because bhook bahut zyada lag rahi hai. फाइनली हमें यहाँ पे कुछ खाने को मिल गया एक्चुअली. एंड वी ट्राई टू गो टू यू नो द फेमस कचोरी वाला, वी ट्राई टू गो टू द परांठा वाला हियर एंड इवन अ चाट कॉर्नर, बट पता नहीं सब सपोजली सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे. सो लाइक एट 5:00 PM ऑल्सो वी कुडन्ट रियली फाइंड एनीथिंग, बट वी केम अक्रॉस दिस, लेट मी शो यू द अदर वे अराउंड. सो वी केम अक्रॉस दिस, हमें ये गूगल से ही मिला था. And the food here was actually really good. So we're pretty happy about that. And you won't believe, this also caters for vegan people. Okay, so this cafe actually caters for vegan people also. So I had a cool coffee and pretty happy about it. And seriously, so we had a pasta, white sauce, red sauce. We ordered a grilled sandwich and honey chili potato. Honey chili potato हमें इतना पसंद नहीं आया because it was really spicy. I don't know, I think somehow the food here, like they prefer spicy food. And pasta was really tasty. I had the red sauce pasta and I've heard the reviews. White sauce pasta का भी बहुत स्वाद था. So definitely this is a must if you're in Alwar because literally हमें कुछ और खाने को यहाँ पर नहीं मिला. After this beautiful eventful day, I'm heading back to the Itarana Palace where I am staying these days. If you want to see more of the Itarana Palace, the rooms, its history, go check out the first episode of Alwar series. Link is here on the top and also mentioned in the description box below. I really hope you enjoyed this video. Kal I'll be taking you to the Silasar Lake and kal ek baar dobara koshish ki jayegi to eat yahan ki kachori.
गॉड सीरियसली हु न्यू कि एक कचोरी इतनी मुश्किल हो जाएगी मिलनी. सो या डेफिनेटली प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब फॉर नोइंग कि हमें फाइनली कचोरी मिली या नहीं. गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. दिस इज ईशा साइनिंग ऑफ. गुड नाइट.